morning everyone, so welcome to the new vlog. I'm in Chopta right now, if you can see behind me. Amazing view hai na. So yaar, aaj 22nd of December, hum chale the 20 ko, kal pahunche, kal yahan pe rest kara, raat ko pahunche the. Milky Way dekha life mein pehli baar, jo par stars hote hain, capture nahi kar paya. So yaar, Chopta hai Uttarakhand mein, as you all know. It is in green forest range, piche hamare ped hi ped hai. Aur mere piche yahan pe pahad hai, bahut hi amazing, if you can see that. So yaar, morning ka view itna amazing hai. Of course, ठंड बहुत ज़्यादा है. रात को माइनस पाँच छः या दस भी पहुँच जाता है. अभी शायद माइनस वन है, माइनस टू है. सो यहाँ पहुँच गए दी सारा कैंप्स. स्नोफॉल हुई थी दो दिन पहले, तभी की बर्फ़ है. और प्लान कुछ ऐसा है आज का. सो पांच केदार में से दो मंदिर है. सो जो शिव जी का मंदिर है उसको कहते हैं तुंगनाथ. दैट इज़ वर्ल्ड में जो हाइएस्ट एक एल्टीट्यूड पर मंदिर है, जो हाइएस्ट मतलब आप कह लो कि लोकेशन में मंदिर है, वो यहीं है. उसका नाम है तुंगनाथ. But it is not easy to go there. वहाँ पर ट्रैक करनी पड़ती है. और what I've heard from the people, it will take 3 to 4 hours वहाँ पर ट्रैक करने के लिए जाने के. सो यहाँ से प्लान ये है कि ब्रेकफास्ट करेंगे, आई थिंक सो विद इन हाफ एन आवर. ब्रेकफास्ट करके वी विल गो टू तुंगनाथ. एक और यहाँ पर चैलेंज आ रहा है यार कि बैटरी, फ़ोन की बैटरी ऐसे ड्रेन हो रही है ना एक्सट्रीम ठंड की वजह से. मेरे को पता नहीं क्यों हो रहा है. मेरी एज बैटरी थी 60%. एक मैंने बस नॉर्मल वीडियो बनाई, 5% रह गई है. हाँ भाई, तेरी बैटरी सही चल रही है? Going perfect. यार अपने फोन ही खराबी दे रहे हैं, कोई नहीं. भाई आरती का बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आरती, हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे. केक कितने का? तो गाइस, शी इज द बर्थडे गर्ल. और ये हमारा ग्रुप है, बहुत बढ़िया. बस झूठ बोल रहा हूँ. साहब यार, ये रहे हमारे द मोस्ट हेल्पफुल एंड डिजर्विंग आए. तो मतलब तो यार एक और झूठ बोल रहा हूँ. तो ब्रेकफास्ट कर ले, निकल रहे, ठीक है मम. तो गाइस ऊपर मिलते हैं मंदिर पे. मैम, कुछ संदेश ऑन योर बर्थडे? नहीं यार, कुछ नहीं यार. क्योंकि गीदड़ उड़ते, मैंने भैया से कन्फर्म किया, भैया गीदड़ होते हैं यहाँ पे? भैया बोलते नहीं, कुत्ते थे. मैं बोल रहा कुत्ते थे, बोला नहीं वो फॉक्स था. ओह माय गॉड, सही है भाई. ए आ गया हैगा जी ब्रेकफास्ट. हमेशा होता नहीं, ब्रेकफास्ट को भी शूट कर लेता जावे. तो गाइस, हम कैंप से निकल चुके हैं और ये सेम रास्ता जो मैंने रात को दिखाया था. सो गाइस, ये सामने रोड है. एज यू कैन सी, बर्फ ही बर्फ एवरीवेयर. सो प्लान ऐसा है कि टेम्पो ट्रैवलर जो हमारा है वो हमको लेके जाएगा थोड़ा आगे, जहाँ तक जा पाएगी गाड़ी. वहाँ से फिर है कुछ ट्रैक जो हमको करना है अप्रोक्सीमेटली 3-4 घंटे का. सो पूरा ग्रुप वहाँ पर गैदर हो रखा है, दे आर वेटिंग फॉर अस. तो गाइस, वहाँ पे ना पानी जम चुका है, तो भाई चैलेंज लेने जा रहा है, उसके ऊपर जा रहा है. और भाई मेरे करेगा हेल्प. अरे यार, थोड़ा क्लोजअप दिखाइए उसका. है क्या वो फ्रीज वाटर? ये बड़ी सही चीज़ है यार, वाटर इज कम्प्लीटली फ्रीज. भाई पकड़ के बैठे हो, इधर तो हाथ को आगे आने पड़ेगा ना. वो बैठ भाई, स्लिपरी है बहुत ज्यादा. पाजी सुसाइड करने आए हैं. पाजी, हाउ द एक्सपीरियंस? भाई मजा आ गया, डूबते डूबते बच गए यार. लिया ओ कैप्टन आ गए. छोटी सी हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, दुविधा. दुविधा, दुविधा में आ गए हैं. ये हमारे दोनों एचआर भाई हैं. दुविधा ये आ गया कि बर्फ इतनी है, टेम्पो ट्रैवल ऊपर जा नहीं सकती, और यहाँ से हमको 3-4 किलोमीटर ऊपर जाना है. 21 हम लोग हैं,
सो डिसाइड ये हुआ है कि यार जो छोटी इनकी टेम्पो ट्रैवलर होती है, क्या कहते हैं, बलैरो में दो 10 सीटर में दो स्लॉट से बंदे जाएंगे. एक हम एक स्लॉट अभी जा चुका है, वी आर वेटिंग फॉर दी अदर बलैरो, वो आएगी हमको लेके जाएगी, देन वी विल गो फॉर ट्रैकिंग. उसके बाद जाना है हमने चंद्रशिला. भाई को याद नहीं, इसलिए मैं बुलवा रहा हूँ बार बार. भाई ना हमको देख रहे हैं बार बार. तुंगनाथ जी का एक अपडेट ये है कि वहाँ पे इस टाइम पे कपाट बंद हो जाते हैं तो मंदिर नहीं खुलता, पर आपको बाहर से मंदिर देखने को मिल जाएगा. दैट इज गुड, हम बाहर से दर्शन करेंगे यार. हाँ, तो आपको बाहर से जरूर दिखाएंगे, देखना कैसा है, बड़ा मजा आएगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. आप लोग जरूर कभी आइए, प्लान करिए. गर्मियों में करना है तो बहुत अच्छा होगा, वैली दिखेगी. तो आइस देखो, तो काम करते हैं, वही मिलता सीधा और वही ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं. तो हम एक काम करेंगे, ऊपर से कूद कूद के खुद ड्रोन बनाएंगे. ठीक है भाई, खुद ड्रोनिंग करेंगे हम. चलो सी या बाय. तो याद रहेगी ट्रिप की. लो भाई बोलो. गाइस तो हम फॉर्च्यूनर में बैठ चुके हैं. फॉर्च्यूनर दो बंदे छत पे हैं. अभी दिखाएंगे हाथ बार. काफी लेट है हमारी ट्रिप के लिए. तुंगनाथ के लिए छत पे दिखा दो लूंडे बारे. थोड़ा साइड लगा दो यार. अरे थोड़ा लगा दो. सो गाइस फॉर्च्यूनर में बैठ चुके हैं. वी आर गोइंग टू तुंगनाथ. शायद मुंडिया दिख रही होंगी, ये देखो पीछे भी लोडेड है. ओवरलोडेड. थोड़ा अंधेरा है. दो बंदे ऊपर है, हाथ पहुंचेगा नहीं भैंस के. हेलो बोलो गाइस. ग्रुप हमारा पूरा आ चुका है. दिस इज आवर एंटायर ग्रुप. थोड़े बंदे ऊपर है तो स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग फिर. यो यो बहुत बढ़िया. डंडा ले ले भाई. बजाओ बजाओ. गाइस दिस इज अ पार्ट ऑफ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ से हम टिकट लेंगे. सो हमारा गाइड टिकट ले रहा है. And from here we will go up. Video है. चलते रहो चलते रहो. अभी so yeah, tracking is very difficult. Problem ये आ रही है, एक तो सांस चढ़ रहा है, हवा चल चल रही है और धूप इतनी तेज है कि आपको स्वेटिंग हो रही है. समझ नहीं आ रहा है तो उतारे या पहने. सो हम जैकेट और कपड़े उतार नहीं सकते. अगर करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी और स्वेटिंग भी हो रही है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. अभी आई थिंक वी हैव कवर्ड 10 या 20% और हालत खराब हो चुकी है. यार मैं जा रही हूं, मुझे कैप्चर करना है. हां हां आ गया बस मैं. कितनी क्यूट है जोड़ी देख. तो गाइस ऊपर जाना है हमको. यहाँ पे बर्फ देखो इतनी गहरी है कि मेरा डंडा है तो मेरा डंडा इतनी अंदर जा चुका है. हाँ गाइस शायद हम हाफ वे पहुँच चुके हैं शायद, बिकॉज नेटवर्क काम नहीं कर रहा. सो वी वेटिंग फॉर फ्यू ऑफ आर फ्रेंड्स. कुछ ऊपर है कुछ नीचे हैं. हमने मिडल में हमने स्टॉप लिया. एक चीज़ दिखानी थी, हमने एक चीज़ बनाई है. सो गाइस सांस फूल रही है, सॉरी फॉर द वॉइस. आई थिंक सो 3 घंटे से ट्रैक कर रहे हैं बर्फ के अंदर, बहुत बुरी हालत है. फाइनली ऊपर आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ये मंदिर है. बस हमको 20-25 मिनट और लगेंगे. हाय एवरीवन. सो फाइनली आई थिंक सो 3-4 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद वी हैव रीच तुंगनाथ टेम्पल. हमारे पीछे है इफ यू कैन सी. तो ये 5 केदार में से 1 केदार है और सब तुंगनाथ कहते हैं. इसके ऊपर है चंद्रशिला, वो हम नहीं जा पाएंगे बिकॉज वी आर लेट. चंद्रशिला थोड़ी ओवर हाइट पे है.
everyone. So I met Ajay. He has traveled so many countries. Or as I mentioned, this is Tungnath Panch Kedar ka. It's one of the mandir. So mandir ki history kya kitne saal purana hai? Like good to know information, yaar. Because log itne dur aate hain, itni mushkil trekking karke aate hain. So you should know about this mandir more from him. Tungnath is the highest Shiva temple in the world. Okay. It's one of the Panch Kedar. हाँ जी. और पंच केदार में से तुंगनाथ में शिवजी के हाथों की और हृदय की पूजा होती है. ओके. और केदारनाथ पे शिवजी की बैग की पूजा होती है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने शिवजी से क्षमा मांगने के लिए, क्योंकि उन्होंने सज्जनों की हत्या की थी, इसलिए दे वांट फॉरगिवनेस, तो वो शिवजी से मांग रहे थे. बट शिवजी उनसे नाराज थे, तो शिवजी दूर भाग रहे थे उनसे, तो उन्होंने केदारनाथ में उन्हें ढूंढ लिया. ओके. देन शिवजी नाराज थे, तो उन्होंने बैल का रूप धारण किया और वो वहाँ से निकलने लगे. देन भीम ने क्या किया, बड़ा रूप करके और टांगे ऐसे करके खड़े हो गए, ऐसे चौड़ी टांगे करके, तो जो जानवर थे वो निकल गए, लेकिन शिवजी के पैरों के नीचे से नहीं निकलते. देन भीम ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये शिव है, तो उन्होंने भाग के शिव को पीछे से पकड़ लिया, तो शिव वहीं पर अंतर ध्यान हो गए. और शिव की जो बैक है वो केदारनाथ में है, उनका जो मुख है वो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है. ओके. तो जो भी आदमी केदारनाथ जाएगा उसको पशुपतिनाथ अवश्य जाना पड़ेगा. ओके. दैट्स द ट्रेडिशन. एंड अगर आप तुंगनाथ आते हो तो आपको पंच केदार जरूर करने पड़ेंगे. ओह माय गॉड यार, फीलिंग्स बिट बैड. आई एम शिवा फॉलोअर एंड आई लव शिवा. शायद माय टाइमिंग नहीं मैच हुई कि यार, मतलब वी हैव कम टू दिस टेंपल, हम ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, और ही हैज मेंशन कि यार जाना चाहिए. बट चलिए यार, गुड टू इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो गाइस, दर्शन हो गए मंदिर के. नाउ वी विल गो बैक टू आवर कैंप. यहाँ से अब नीचे ट्रैक करना है, एंड आने में तो आई थिंक तो 4-5 घंटे लगे हैं, जाने में अभी आई थिंक 2-3 घंटे लगेंगे. तो गाइस, हमको यहाँ से नीचे जाना है. वो देखो कैसे जा रहा है, ये सारा वे नीचे जाने का, और काफ़ी नीचे जाना है, यानी कि थोड़ा सा रास्ता है. सी द डिफ़िकल्टी, सब कच्चा रास्ता है यार, और सारी बर्फ़ है, स्लिपरी. स्लिप हो रहे बंदे बार बार. शाम का टाइम है, सनसेट हो रहा है, टेंशन वाला माहौल. नीचे पहुंचना है और अभी हमको 2 घंटे लगेंगे, इस बर्फ से निकलना है हमको. तो गाइस, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, हम रात को ट्रैकिंग कर रहे हैं, नेरा ही नेरा चारों पास से. सो गाइस, फाइनली हम नीचे पहुंच गए. बहुत यार, बहुत डिफिकल्ट है. यही एंट्री पॉइंट्स हैं, यहाँ पे घंटी मार दी, हम एग्जिट कर रहे हैं यार. We'll be right back.